जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय खाता बही। खाता बही क्या होती है ये जानने से पहले हमें नकल बही को जानना आवश्यक है। जैसा कि इसके पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा था नकल बही, नकल बही वह बही होती है जिसमें व्यापारी द्वारा दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसे स्मरण पुस्तिका की सहायता से बनाया जाता है और नकल बही में जो दिन प्रतिदिन व्यवहारों का लेखा किया जाता है उसे माह के अंत में या वर्ष के अंत में व्यापारी द्वारा जिस स्थायी पुस्तक में लेखा किया जाता है उसे हम खाता बही कहते हैं। खाता बही में पुस्तकों का लेखा स्थायी रूप से किया जाता है। व्यापारी द्वारा खाता बही को कई वर्षों तक संभाल कर रखा जाता है। यदि हम किसी व्यापारी से उसकी खाता बही के बारे में पूछें तो जब से उसने व्यापार प्रारंभ किया था तब से लेके आज तक उसकी सारी खाता बही उसने संभाल के रखी होगी। और खाता बही का करारोपण की दृष्टि से भी बहुत महत्व होता है। सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है इसमें प्रमाण के तौर पर खाता बही भी उपयोग में लाई जाती है। अब हम खाता बही से संबंधित एक प्रविष्टि करेंगे जिसे हम जानेंगे कि खाता बही में लेखा किस प्रकार किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यापारी ने 10,000 रुपये नगद लगाकर व्यापार शुरू किया। अब इससे हम खाता बही में खातों पर प्रभाव जानेंगे। बच्चों, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है, व्यापारी ने 10,000 रुपये नगद लगाकर व्यापार शुरू किया तो सर्वप्रथम हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, आपको पूर्व अध्याय में मैंने सिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड काफ़ी है, 10,000 रुपये ये अमाउंट में आ गया, 10,000। अब हम इसको खाता बही में प्रविष्टि करेंगे तो हमारे उदाहरण में किस किस पे आया है, कैश एंड कैपिटल। ठीक है, कैश का यूज हुआ है एंड कैपिटल। अब इसकी जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, खाता बही में प्रविष्टि करेंगे तो कैश का एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा और एक कैपिटल का। तो ये खाता बही का फॉर्मेट होता है जैसा कि मैंने बोर्ड पे बनाया है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। यहाँ जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो नंबर। ठीक है, जो लेजर होता है इसमें जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है रियल लाइफ में, और जो जर्नल होता है उसमें लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। देखें आप ऊपर जर्नल एंट्री में LF का यूज़ करते हैं, लेज़र फोलियो नंबर, या लेज़र का पेज नंबर आता है, और जर्नल में लेज़र में जर्नल का पेज नंबर यूज़ किया जाता है। अब हमें कैश का लेज़र बनाना है, किसका लेज़र बनाना है, कैश। तो ये हमने लिखा कैश अकाउंट, क्या लिखा, कैश अकाउंट। तो कैश हमारी एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है, तो उसके लेज़र में भी डेबिट साइड एंट्री होगी उसकी, बट किसके नाम से, क्रेडिट वाले के। क्रेडिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000। ठीक है, ये आ गया। अब कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट के लेजर में आ जाएगा क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, डेबिट साइड, है ना, ये हमारा डेबिट है, ये क्या है, क्रेडिट, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, तो इसकी हम क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बट डेबिट वाले के नाम से। डेबिट में क्या है, कैश, तो ये आ गया हमारा बाय कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, जो लेजर अकाउंट होते हैं, खाता बही होती है, इसमें डेबिट वालों के लिए टू का यूज़ किया जाता है एंड क्रेडिट वालों के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये खाता बही में पोस्टिंग
की जाती है। जर्नल से खाता बही में प्रविष्टि करने का ये एक नियम है। अच्छा, अपोजिट साइड क्यों यूज करते हैं अपन? जैसे कि आपने ये लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड एंट्री कर दी टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। ऐसा क्यों किया? ताकि हमें भविष्य में यदि हम देखें कि ये 10,000 हमारे काय में एक्सपेंसेस हुए हैं, 10,000 काय में गोज आउट हुए हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा टू कैपिटल, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ये। ठीक है, तो इस तरह जर्नल से लेजर में, नकल बही से खाता बही में प्रविष्टि की जाती है। बच्चों, अब हम खाता बही से संबंधित आंकिक प्रश्नों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित से रोकड़ खाता बनाइए। 2017 अप्रैल 1, रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड 16,000 रुपये, 16,000। अप्रैल 6, रोकड़ क्रय, कैश परचेस 12,000 रुपये, 12,000। अप्रैल 10, रोकड़ी विक्रय, कैश सेल्स 18,000 रुपये, 18,000। अप्रैल 15, निजी व्यय हेतु निकाले, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 3,000 रुपये, 3,000। अप्रैल 18, कार्यालय व्यय दिए, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज। अप्रैल 30, वेतन चुकाया, पेड सैलरी रुपीज 2,000, 2,000 रुपये। तो इस तरह हमें इस व्यवहारों से रोकड़ खाता बनाने बोला गया है। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, रोकड़ खाता बनाइए, कैश अकाउंट बनाना है। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, कैश अकाउंट। चूंकि व्यक्ति या फर्म या संस्था का नाम नहीं दिया है, तो हमने इन द बुक्स ऑफ डैश 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 कर दिया। तो सर्वप्रथम हमें प्रश्न में दिया गया है रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड। तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, कैश का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। तो टू बैलेंस बी डी 16,000 रुपये, 16,000 रुपये हमें बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने को एंट्री दी गई है अगली पे, रोकड़ क्रय, नगद माल खरीदा, कैश परचेस। तो हमें सबसे पहले उसकी एंट्री ध्यान आना चाहिए, जनरल एंट्री। तो कैश परचेस की जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश का। और कैश क्या हो रही है हमारी जनरल एंट्री में? क्रेडिट। कैश क्या हो रही है? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड एंट्री होगी, राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। किसके नाम से? डेबिट वाले के। डेबिट में कौन है? परचेज। तो ये बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है अपने को प्रश्न में दिया गया है? 12,000। ये 12,000 रुपये आ गए। ठीक है, और डेट आ जाएगी अपनी अप्रैल 6, 2017। ये हमने कॉमन लिख दिया है सभी एंट्रीज के लिए। तो ये बाय परचेज अकाउंट 12,000। नेक्स्ट एंट्री अपने को प्रश्न में दी गई है रोकड़ी विक्रय, कैश सेल्स। कैश सेल्स की जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड प्रविष्टि होगी इसकी। किसके नाम से? क्रेडिट वाले के। क्रेडिट में क्या है? सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में क्या है? सेल्स अकाउंट। तो यह आ गया अप्रैल 10 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट वाले के नाम से आपको एंट्री करना है। ध्यान रखें 18,000 अमाउंट कितना आएगा? 18,000। ओके, फिर अप्रैल 15, निजी व्यय के लिए निकाले, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो जनरल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी किसके नाम से? डेबिट वाले के। डेबिट में क्या है? ड्राइंग्स। तो ये अपना आ गया बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 3,000।
ठीक है, जैसा कि हमें दिया गया है अमाउंट कितना दिया है 3000 और डेट अप्रैल 15, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कार्यालय व्यय के दिए पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एंट्री क्या होगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फिर कैश क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी डेबिट वाले के नाम से बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान रखें अमाउंट कितना है 1500 रुपए अमाउंट है, डेट है 18 और लास्ट एंट्री दी गई है अप्रैल 30 वेतन चुकाया सैलरी पेड, सैलरी पेड की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर कैश का हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी डेबिट वाले के नाम से, डेबिट में क्या है बाय सैलरी अकाउंट 2000 और अप्रैल 30। तो ये हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है खाता बही में, ठीक है। खाता बही जो होती है वो नकल बही की सहायता से बनाई जाती है, मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसके लिए आपको नकल बही जनरल एंट्री आना अति आवश्यक है। अब हम इसमें बैलेंस निकाल लेंगे कि जो हमने कैश का लेजर बनाया है इसका अप्रैल मंथ के एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, तो कैश अकाउंट में ऑलवेज डेबिट साइड ही बड़ा होता है, याद रखना डेबिट साइड ही बड़ा आएगा, ज़्यादा होगा क्योंकि जितनी कैश रिसीव्ड होती है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, ये इसका एक लॉजिक है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 16 और 18 34000 ये डेबिट का आ रहा है 34000 और क्रेडिट का आ रहा है 12 और 3 15 और 1 16 और 2 18 18500, क्रेडिट का आ रहा है हमारा 18500, ठीक है, और डेबिट का आ रहा है 34000 ये हमारा डेबिट का टोटल आया 34000 और क्रेडिट का आया 12 3 15 16 और 2 18500, ठीक है। 15500 जो हमारे पास कैश बची है अभी हमारे हैंड में है अप्रैल 30 को, वो है 15500 और बैलेंस हमेशा मंथ की लास्ट डेट में निकाला जाता है 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15500 और ये बिग टोटल दोनों साइड बराबर में लग जाएगा, ये याद रखना टोटल हमेशा इक्वली लगाते हैं 34000 और अब इधर का भी कितना आएगा 34000। तो ये जो अप्रैल 30 को हमारा बैलेंस आया है, जब आप मई में ये बनाएंगे कैश का लेजर तो मई में ये कहाँ चले आएगा डेबिट साइड, मई में इसकी पोस्टिंग किस साइड हो जाएगी डेबिट साइड, तो ये 1 मई 1st टू बैलेंस बीडी 15500, तो मई में ये बैलेंस आ जाएगा 15500। बच्चों अब हम खाता बही से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। श्री विजय कुमार के खाते में 5000 रुपये का जमा शेष था, जनवरी 2017 में उनके साथ निम्नलिखित लेन देन हुए, जनवरी 5 उन्हें भुगतान किया 4300, जनवरी 8 उनसे उधार माल खरीदा 3000 रुपये, जनवरी 11 उन्हें माल वापस किया 500 रुपये, जनवरी 15 उनकी ओर से रमन को दिए 1500 रुपये, जनवरी 22 उन्हें नगद चुकाए 1560 रुपये, उनसे बट्टा मिला 40 रुपये। श्री विजय कुमार का खाता तैयार कीजिए और 31 जनवरी 2017 को शेष निकालिए। जैसा कि प्रश्न में विजय कुमार का खाता बनाने के लिए बोला गया है, तो सर्वप्रथम हम लेंगे विजय कुमार का जमा शेष। जमा मीन्स क्रेडिट, सभी को मालूम है 1 जनवरी को जमा शेष दिया है 5000 रुपये, तो क्रेडिट साइड कौन सा होता है राइट हैंड साइड, तो बाय बैलेंस बीडी कितना दिया है 5000।
जनवरी फर्स्ट को बैलेंस दिया है 5000, ठीक है। जनवरी 5 उन्हें नगद चुकाए, उन्हें भुगतान किया, पेड कैश टू हिम, किन्हें भुगतान किया? विजय कुमार, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं ये विजय कुमार से दिए गए हैं, तो पेड कैश टू हिम उन्हें भुगतान किया, किन्हें? विजय कुमार। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट, विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट। विजय कुमार क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, लेफ्ट हैंड साइड किस नाम से? टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाले के टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितना अमाउंट उन्हें पेड किया है हमने? 4300, डेट जनवरी 5th, ठीक है, ये ईयर कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री अपने को दी है, उनसे उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। उनसे मतलब किन से? विजय कुमार। तो जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार। अब इस एंट्री में विजय कुमार क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी किसके नाम से? बाय परचेज, परचेज के नाम से। तो बाय परचेज डेट आ गई 8 जनवरी, बाय परचेज अकाउंट, ओके। तो कितने का माल हमने उनसे खरीदा है? 3000, ये 3000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया है विजय कुमार से, 3000, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट एंट्री दी है, उन्हें माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू हिम, हमने माल वापस किया किसको? विजय कुमार को। तो यहां रिसीवर कौन हो गया, पाने वाला कौन हो गया? विजय कुमार। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? विजय कुमार डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो कौन से रिटर्न है? परचेज रिटर्न। तो विजय कुमार डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने का माल वापस किया है? 500 रुपए का। तो विजय कुमार डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड एंट्री कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500। कितने का माल वापस किया है हमने विजय कुमार को? 500 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमें दी है, उनकी ओर से रमन को दिए, उनकी ओर से मतलब किनकी ओर से? विजय कुमार की तरफ से, है ना। तो हमें रमन से कोई मतलब नहीं है, रमन को हम नहीं जानते, हम किसको जानते हैं? विजय कुमार। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट, विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए हमने? 1500। कितने रुपए दिए हैं? 1500। तो विजय कुमार फिर डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड एंट्री होगी टू कैश अकाउंट, ठीक है। 1500, 1500 रुपए, डेट आ जाएगी अपनी, ये आ गई 15 तारीख, 15 जनवरी। और लास्ट एंट्री है 22 तारीख, उन्हें नगद चुकाए, किन्हें नगद चुकाए? विजय कुमार को, पेड कैश टू हिम। तो विजय कुमार डेबिट टू कैश, और बट्टा मिला डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारी क्या होता है? इनकम। और ऑल इनकम्स क्या होती है? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, विजय कुमार डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हम इसको किसका लेजर बना रहे हैं? विजय कुमार, और विजय कुमार क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी किसके नाम से? इन दोनों के नाम से, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ये जनवरी 22 टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, 40 रुपीज। तो इस तरह ये हमारी इस खाता बही में समस्त प्रविष्टियां करी हमने विजय कुमार से संबंधित एंट्रियों की। अब हम इसका शेष निकाल लेंगे। शेष निकालने की वही प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे, बिग टोटल में से स्मॉल टोटल को क्या कर देंगे? माइनस। तो देखो इसका डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है 4800 और 1500, 6300,
6300 और 1600, 7900, ये डेबिट साइड का टोटल आया 7900 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5000 और 3000, 8000 ₹8000, ये क्रेडिट का आ रहा है 8000। तो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 8000, डेबिट का आ रहा है 7900। तो 8000 में से 7900 माइनस कर देंगे, ₹100 बैलेंस आया। तो बैलेंस किस साइड आता है? जिस साइड रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जो छोटा साइड होता है। कौन सा साइड छोटा है? डेबिट। तो January 31st टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैलेंस आया? 100 रुपीस। तो ये 100 रुपीस हमारा बैलेंस आ गया, यही हमारा आंसर है, 100 रुपीस। और बिग टोटल अपन दोनों साइड लगा लेंगे, ये बिग टोटल 8000 और इसका भी कितना आ गया? 8000। अब जब नेक्स्ट मंथ में हम विजय कुमार का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा डेबिट बैलेंस निकला है ये कहाँ चले आएगा? क्रेडिट में, जनवरी के बाद फरवरी में। तो फरवरी फर्स्ट में जो हमारी एंट्री होगी, बाय बैलेंस बीडी 100 रुपीस। कितने रुपए जाएगी? 100 रुपीस। बच्चों, आज हमने खाता बही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करी। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे, ठीक है। अब आपके अभ्यास हेतु मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक एक, खाता बही की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ लेजर। प्रश्न क्रमांक दो, खाता बही के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं लिखिए, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। प्रश्न क्रमांक तीन, खाता बही से होने वाले लाभों का वर्णन करो, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लेजर। प्रश्न क्रमांक चार, नकल बही एवं खाता बही में अंतर स्पष्ट कीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, ठीक है, एवं आंकिक प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।